वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत, तुसीं देख रहे हो दा पंजाब लाइव। बहुत पुराने समय की गल है, एक नगर दे विच एक बेहद गरीब आदमी रहिंदा सी। उहदे कोल कुछ भी नहीं सी, वह बिल्कुल निर्धन व्यक्ति सी। आपदे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल दे नाल करदा सी। कई बार तो सिर्फ एक वेले का खाना खा के उसनों अते उसके परिवार को सौना पैंदा सी। किसी काम दे विच भी उसनों महारत हासिल नहीं सी, इस करके वह मजदूरी का काम ही करदा सी। इन्ने बुरे हालात होने के बावजूद उसने आपकी निर्धनता की आपकी गरीबी की कदे भी अपने परमात्मा अगे भगवान अगे शिकायत नहीं सी कीती। उसके पास उसके कोल जो कुछ भी सी वह उन्हें दे विच संतुष्ट रहिंदा सी। पर एक गल उहदी बहुत वधिया सी कि वह अपने परमात्मा का सच्चा ते पक्का भगत सी। इसलिए जदों भी वह सुबह उठता, सब तो पहला वह अपने प्रार्थना स्थान ते जाके अरदास बेनती करता, पूजा पाठ करता। अपने प्रार्थना स्थान ते जाण तो बाद ही आपदे कम्मां करां नूं निकलदा। एक दिन उसका परमात्मा उसते प्रसन्न होया। परमात्मा ने सोचा कि यह मेरा गरीब भगत है, मैनूं इहते दया जरूर करनी चाहीदी है। परमात्मा ने की किया कि सवेरे सवेरे उसके आने तो पहला जिहड़ियां पौड़ियां दे विच परिक्रमा करता हुंदा सीगा, उत्थे एक सोने दे सिक्कियां नाल भरिया थैला रख दिता। पर वह इंसान जदों आया, अखां बंद करके आपदे मन दे विच जाप करदा करदा परिक्रमा करके मत्था टेकिया ते वापस चलिया गया। उस सोने दे सिक्कियां नाल भरिया थैला उसने देखिया ही नहीं। वह परमात्मा का नाम जपन दे विच इन्ना मगन सी, इन्ना लीन सी कि उसका किसी भी दुनियावी शै वल ध्यान ही नहीं पिया। उहदी इन्नी खूबसूरत तरीके नाल भगती देख के, सच्ची ते पक्की भगती देख के परमात्मा आन प्रगट होए ते उसनू कहा कि तू मूँह मंगियां जिहड़ियां तेरियां इच्छावां ने, तेरियां मनोकामनावां ने, वह तू दस, सारियां पूर्ण कर दिंदे हां। साढ़े मन विच की हुंदा है, असी कदे भी गुरद्वारा साहब मत्था टेकन जाने हाँ, अपनी गलती यह हुंदी है असी आसे पासे ध्यान ज़्यादा रखते हैं। असी मत्था टेकते हाँ तो साडा ध्यान, असी अखां साडियां खुल्लियां हुंदियां ने, सजावट वालियां चीज़ां दे विच हुंदा है, कौन कौन बैठा गुरद्वारा साहब साडा उधर ध्यान हुंदा, उरे परे दीआं वस्तुआं वल असी ध्यान रखते हाँ। इस तरीके नाल ही जदों असी नाम जपन बैठते हाँ, पाठ करन बैठते हाँ, उदों भी साडा ध्यान गुटका साहब ते नहीं हुंदा। साडा मूँह जरूर गुरबाणी पढ़ रहा हुंदा है, अखां असी अखां दे नाल गुरबाणी दे उत्ते अंकित किते अखर देख जरूर रहे हुंदे हाँ, पर दिमाग साडा किते होर तुरिया फिरदा हुंदा। कदें आपां अपने कम्मां कारां दे विच ध्यान लाई बैठे हुंदे हाँ, कदी आपां अपने कारोबारां दे विच, कदी किसी दा खेत विच ध्यान है, किसी दा दुकान विच ध्यान। इस तरीके नाल साडा ध्यान उधर घट है। जे असी कामयाब होना, असी चाहुंदे हां सतगुर सच्चे पातशाह जी साडी बांह फड़न, तां उस गरीब व्यक्ति वांगू असी भी अखां बंद करके, अखां बंद करन तो भाव है उरे परे दीआं वस्तुआं दे विच जिहड़ा साडा ध्यान है उह नहीं होना चाहीदा। सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा दी उस्तत दे वल ध्यान होना चाहीदा। जिहड़ा समां असी भगती करनी है उह समां निरोल रूप विच परमात्मा दे चरणां दे विच असी देईए, तां सतगुर सच्चे पातशाह जी जरूर प्रसन्न होणगे।